हाय गाइस, इनकी हो गई है छुट्टी पास और हम चल रहे हैं रायपुर मेरे घर। तो चलिए आप भी मेरे साथ। आज का मौसम है सुहाना और हम निकल रहे हैं बीजापुर से रायपुर, और आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है। तो हमने बिना नाश्ता किए निकल गए क्योंकि हमें छुट्टी एकदम इमरजेंसी में मिला था, तो हमने नाश्ता नहीं किया। चलिए हम पहले सबसे पहले नाश्ता करेंगे। तो हम पहुँच गए हैं गिदम और यहाँ पर है बस स्टैंड। यहाँ भी डोसा अच्छा मिला तो हम यहाँ करेंगे, डोसा खाएँगे। चलिए, तो हमने लिया डोसा क्योंकि यहाँ पर आपको टोकन लेना पड़ता है, तो हमने खाया डोसा जो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी क्रिस्पी था। मौसम था सुहाना तो हमने लिया कॉफ़ी जो काफ़ी अच्छी थी, तो हमने किया चेयर्स। चलिए तो बाय करते गिदम को, निकलते अपने रास्ते। अब हम पहुँचने वाले हैं दंतेवाड़ा। देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर। आप कभी बीजापुर आइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पर बहुत टूरिस्ट प्लेस है, बहुत अच्छा मौसम है और यहाँ का सफ़र बहुत मज़ा आता है। थोड़ा रिस्की बट बहुत अच्छा। देखिए हर जगह पहाड़, नीला नीला आकाश, हरा भरा जंगल, ये बहुत ही काम सूदिंग फील कराता है मुझे बहुत। इसलिए तो मुझे बीजापुर बहुत अच्छा लगता है। तो अब हो गया है काफ़ी टाइम और हम पहुंच गए हैं कोंडा गांव। तो कोंडा गांव में आपको एक ही रेस्टोरेंट मिलेगा जो कि है कीर्ति फास्ट फूड। हम यहाँ हमेशा यहीं लंच करते हैं, तो हम यहाँ आ गए हैं जो काफ़ी खाली था। तो हम पहुंच गए हैं कीर्ति फास्ट फूड और हम कर रहे हैं ऑर्डर। तो हम खाएंगे बहुत। लंच में मैंने ऑर्डर किया पनीर मसाला, देन दाल फ्राई, रोटी, सलाद एंड राइस हम बाद में लेंगे क्योंकि हमने टिफ़िन नहीं लाया था, तो हम लंच बाहर ही कर रहे हैं। तो ये है मेरी प्लेट जो कि लग गई लंच की। तो चलिए चलते हैं। लास्ट में हमने राइस मंगाए लंच को फिनिश करने। रास्ते में जाते हुए मिला अमृत तुल्य चाय, तो हमने लिया चाय जो कि काफ़ी रिफ्रेशिंग था क्योंकि शाम हो चुका था। तो अब हम इसे पी के निकलेंगे फिर से अपने रास्ते। और घर तक जाते हुए मैंने कुछ लिए हैं चिप्स जो कि मेरा टाइम पास करेंगे। तो गाइस मैं जब पहुंचूंगी तब से मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।